जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणि, मंगलं पुण्यपुण्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। इस भवतरु का मूल एक जानहु नित्या भा, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जब लो देव शास्त्र गुरु की जय। निश्चयवासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। स्वच्छंदता किस प्रकार है अभी इस पैराग्राफ में उसकी चर्चा हो रही है। वह क्यों गलत है उसके संबंध में एक एक बिंदु पर आगे तोड़ने का उसका अनेक प्रकार से आगम के आधार से उसका निषेध किए गए। तो अभी पहले क्या निश्चयवासी के संधान में गड़बड़ी है उस पैराग्राफ पर अपने को विचार करना है, ठीक है। निश्चयवासी की परिभाषा तो कल आपको मैंने दोहरा दी थी, जब ये प्रकरण प्रारंभ हुआ था तब भी अपन ने उसको अच्छे से समझा था। जिसको निश्चय निश्चय के आभास का संधान है ना, निश्चय का संधान नहीं है। किसका संधान है? निश्चय के आभास का संधान है। निश्चयवासी तो भले ही माने मेरा संधान सही है, लेकिन भाई तेरा संधान सही होता तो तेरी परिणति में धर्म प्रकट हो जाता। आई बात समझ? तेरा संधान सही नहीं है इसीलिए तेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ। तो क्या गड़बड़ी है उसकी यहां चर्चा है, ठीक है। कल अपन ने एक बिंदु विचार किया था ना, उसको पुनः दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद विषय को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में मिला ना आपने, कहा बाबू जी मोक्ष मार्ग में। काई का उद्यम होता है? रागादि मिटाने का, श्रद्धा ज्ञान और आचरण होता है। कितनी सुंदर बात लिखी गोडलबली साहब ने एक पंक्ति में, माल भर लिया। बाबू जी चौथे गोस्थान में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गए, ओके है ना। क्या जाओ सर, कहां प्रारंभ हो गया? चौथे गोस्थान में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है ना। अब चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर तक जितने भी जीव हैं, उनका आचरण किस प्रकार का होता है, वो क्या करना चाहते हैं बताओ, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बाबू जी, क्या करना चाहते हैं? रागादिक मिटाने का उपाय करते हैं। उनका आचरण क्या है? कितनी सुंदर बात है। अब रागादिक मिटाने का आचरण और श्रद्धा ज्ञान डाली। देखो जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं है, मतलब जब तक श्रद्धा में अपना जीव तत्व जो आश्रय भूत करने का वो उर्ध नहीं है, उसका आश्रय लेकर स्वीकृति नहीं है, तब तक तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। लेकिन खजावत साहब एक बात और समझना कि है ना, ऐसा लौकिक में भी उदाहरण दिया कि साहब दो अपेक्षा से बात होती है, एक चरणानियोग से बात होती है ना, कि अन्याय अनिति और अभक्ष का सेवन करने वाला उसको तो सम्मेलित तो होने का अधिकारी नहीं है। ये बात कहां से गई है? ये चरणानियोग के ग्रंथ में है, आई बात है। और एक अपेक्षा ये भी है कि सम्यक दृष्टि के अन्याय अनिति अभक्ष का सेवन नहीं होता है।
दोनों बात है। अब एक अपेक्षा है कि सम्यक दर्शन क्या है कि आत्मा को जो अपना द्रव्य स्वभाव को उसमें अहम करना वो सम्यक दर्शन है। अभी जब जीव को सम्यक दर्शन होगा तब वो अन्याय अनिति अभक्ष छोड़ेगा कि अन्याय अनिति अभक्ष छोड़कर योग्य पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। विधि में विचार करना है क्या कहना था। मान लो रात में 10 बजे आपको सम्यक दर्शन हुआ तो तब से आपके त्याग है कि उसके पहले से त्याग है, क्यों इंतजार है क्या है, क्या तो वो कल अपन ने वो कहा था ना कि भावलिंग और द्रव्यलिंग वो एंगल भी है। आई बात पहले द्रव्यलिंग होता है फिर भावलिंग होता है। आई बात क्या, अब वो प्रक्रिया में समझाऊंगा आपको गाथा के आधार से तब तो आपको आनंद आएगा। अभी अपने को ये समझना है, क्या समझना है कि सम्यक दर्शन कब होगा, जब उसका श्रद्धा का श्रद्धे भगवान आत्मा होगा। क्या सम्यक दर्शन कब होगा, श्रद्धा का श्रद्धे भगवान आत्मा होगा। और सम्यक दर्शन के बाद भी क्या होगा, सम्यक दर्शन के बाद भी उसकी श्रद्धा में राग का आदर नहीं होगा। क्या किसकी श्रद्धा में, क्योंकि यहां तो मोक्ष मार्ग लिखा है ना, सम्यक दर्शन के पहले वह बिल्कुल यथावत निर्णय है। क्या निर्णय है कि राग में धर्म नहीं, राग से धर्म नहीं, राग आश्रव है, राग अशुचि है, राग अपवित्र है, राग दुख है, राग दुख का कारण है। कब कर लेगा ये निर्णय, कब कर लेगा ये निर्णय, कब निर्णय हो जाएगा, सम्यक दर्शन के पूर्व। क्या आलम के सेवन में क्या निर्णय है कि ये राग रखने योग्य नहीं है, राग धर्म नहीं है, राग से धर्म होता नहीं है। आई बात सर, तो मोक्ष मार्ग में क्या श्रद्धा होगी कि राग आदरणीय नहीं है। ज्ञान राग को हे बताएगा, विधि बताएगा कि राग से भिन्न पड़कर अपना जो अरागी स्वभाव है, अपना जो विकराग स्वभाव है उसमें एकाकार होगा तब तेरी परिणति से राग मिटेगा। राग को मिटाने का क्या उपाय है, राग को मिटाने के लिए राग की तरफ नहीं देखना है, विकराग स्वभाव की तरफ देखना है। क्या आई बात क्या, राग को मिटाने के लिए क्या करना है, क्या बाबी जो प्रमाण ज्ञान में तो अंदर में आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसका आश्रय देखे फिर उस समय यदि पर्याय में जाए तो जितना अंश राग का है उतना दुख है, जितना रंग जितना राग का अंश है उतना दुख है। लेकिन अभी तो अपने को राग के मिटाने की विधि सीखनी है, तो राग को मिटाने की विधि क्या है मेजाब साहब, अपना ज्ञान ज्ञान स्वभाव में एकाकार हो जाए। किसमें, किसमें बाबूजी है, जो जो विज्ञान घन होता जाता है ये जीव क्यों क्यों क्या रहता है, आश्रयों से निवृत्त होता जाता है। घन किसको बोलते हैं, घन क्यूब, आपने देखा होगा ना, थोड़ा हथौड़ा भी लोहे का होता है ना, और थूकने के पीटने के काम भी लोहे को पीटने के काम में आता है। क्या अंतर है हथौड़े में और अन्य लोहे में, क्या अंतर है, जरा सा क्या अंतर है भाई, वो भी तो लोहा है और लोहे के पीटने हथौड़े को लेकर किल्ली को उल्टा रखो और आप मारो तो किल्ली बैठ जाएगी, हथौड़े में कुछ नहीं होगा। वो घन है, घन ऐसे ही जैसे जैसे जीव विज्ञान घन होता जाता है, क्या होता है बाबूजी, विज्ञान घन होता जाता है तो वो क्या है, राग उससे बात घन जब होगा अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं। आई बात समझ, ठीक है, तो बात पकड़ में आ गई आपको, ये कल का दोहरा दिया अपन ने। मोक्ष मार्ग में क्या होता है, मोक्ष मार्ग में क्या होता है, राग को मिटाने का श्रद्धा
ज्ञान और आचरण होता है। इतनी बात है। अब निश्चयवासी क्या करता है, जहां आचार्य भगवंत ने निश्चय की अपेक्षा से प्रयोजनवश कुछ कथन किए हैं, उसका गलत अर्थ निकालकर स्वच्छंद हो जाता है। स्वच्छंद हो जाता है मतलब अपना योग्य पुरुषार्थ छोड़कर पापों में लग जाता है, विपरीत दिशा में लग जाता है। आई बात, उसको कहते हैं स्वच्छंद हो जाता है। कैसे स्वच्छंद हो जाता है तो उसकी यहां चर्चा निकालिए। पेज नंबर आप 212। पहली पंक्ति क्या लिखी है, वो निश्चयवासी क्या कहता है, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक है। क्या कहता है भाई, शास्त्र का अभ्यास करना निरर्थक है। ये बात कहां से लाया, वो बात कहां से लाया कजावत साहब? अब आचार्य देव ने आगम में इस जीव को क्या है, आत्मज्ञान की प्रेरणा के लिए कहा कि 11 अंगों और 9 गुणों का पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं, तेरा बेकार है। क्या कहा, क्या कहा सब, क्या कहा, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठ तेरे कुछ काम नहीं, बेकार है। तो उस बेकार का क्या अर्थ समझना, कि शास्त्र का अभ्यास करके यदि तू अंतरंग में जाकर अपने राग से भिन्न ज्ञायक स्वभाव को तू ऊर्ध्व नहीं करे और मात्र शास्त्र के अभ्यास का तेरे को अहंकार रह जाए, कोई प्रतिष्ठा के लिए तू शास्त्र का अभ्यास करे या पढ़कर अपनी बुद्धि का कि मेरे को इतना याद है उसका तेरे को अहंकार रह जाए, तो आचार्य देव कहते हैं कि कुछ कार्यकारी नहीं। क्या कहा, लेकिन इस निश्चयवासी ने क्या समझा कि शास्त्र पढ़ना ही कार्यकारी नहीं। इसने ये अर्थ नहीं समझा कि शास्त्र पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। देखो लोक में भी शास्त्र का अभ्यास नाना प्रकार से करते हैं, जिसको वाद विवाद करने हो क्या कहता तो भी अभ्यास करेगा शास्त्र है। अभी मान लो राजस्थान सरकार ये घोषणा कर दे कि भाई हमको जैन दर्शन के 50 विद्यार्थी को नौकरी लगानी है और उसका समय सार के आधार से परीक्षा होगी, तो समय सार पढ़ेंगे कि नहीं, जितने भी जैन बच्चे अजैन बच्चे सब पढ़ेंगे, क्या उद्देश्य है भाजी, क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, नौकरी पाना। जिसको वाद विवाद करना है वो यहां से दर्शन ढूंढेगा, ठीक है, किसी को समाज में प्रतिष्ठा पानी है तो वो। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि जो हमको आगम परमागम मिला है उसका प्रयोजन क्या, क्या प्रयोजन भाजी, कि तेरे को सुखी होना है। यहां जो बात बताई जा रही है कि तू राग से भिन्न है, एक समय की पर्याय को तू गौण करके अपना त्रिगाली द्रव्य स्वभाव उसको ऊर्ध्व कर 5 इंद्रियों और मन से अपने उपयोग को हटाकर अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख ले जा, ये बात कहीं याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़कर सुनाने के लिए नहीं है, अंदर में जाकर इंप्लीमेंट करके अपनी परिणति में धर्म प्रकट करने के लिए, अनादि से जो तू दुखी हो रहा है तेरे दुख को मेटने की विधि बताइए। क्या बताइए, क्या काय के लिए। लेकिन वो क्या करता है निश्चयवासी, जहां आचार्य देव ने क्या मुख्य अपेक्षा क्या थी, आचार्य देव की अपेक्षा क्या थी कजाव साहब, अपेक्षा क्या थी, अंतरंग में जाकर भेद विज्ञान करके अपना अभेद स्वभाव को पकड़ा, क्या अपेक्षा थी, शास्त्र का अभ्यास कहीं के लिए किया जाना था। हाँ, तो इसने वो कार्य नहीं किया, क्या बाबूजी, वो कार्य नहीं किया, तो उस कार्य की प्रेरणा के लिए कहा गया है कि भाई ये निरर्थक है, तू जो कर रहा है ना इसमें दम नहीं, ये काम कर। और इसने क्या समझा कि मुझे पढ़ना ही नहीं, स्वाध्याय ही नहीं करना। अरे भाई जब स्वाध्याय ही नहीं करना तो फिर क्या सम्यक दर्शन में तो निमित्त कहा है ना देशना लब्धि को, क्या फिर क्यों कहा निमित्त, जब आचार्य देव
शास्त्राभ्यास को ही निरर्थक कह रहे हैं। अगर वो सर्वथा निरर्थक हो तो फिर देशना लब्धि क्या होगी बाबू जी? भाई पूरे आगम में निमित्त के रूप में कोई सशक्त कथन है तो क्या है बाबू जी? देशना है? देशना मतलब क्या? देशना मतलब क्या? इस जीव को क्या जैन साहब अनादि से लेकर आज तक ये बात भले ही सुनी है उसने कि मैं भगवान स्वरूप हूं, भगवत स्वरूप हूं, मुझमें राग ने प्रवेश ही नहीं किया है, लेकिन इसके आज तक अंदर में जाकर इसकी स्वीकृति नहीं हुई। तो दो काम हो गए, एक तो बहुत सारे जीव हैं जिसने ये सुनी नहीं, और एक जीव जिसने सुनी तो है लेकिन अंदर में जाकर निर्णय नहीं लिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है देशना लब्धि। किन दोनों का कॉम्बिनेशन है? सात तत्वों का यथार्थ बात इस जीव को सुनने में आ जाए वो तो है देशना, और सुनकर अंदर निर्णय करके स्वीकार कर ले है वो है लब्धि देशना। ये कॉम्बिनेशन है। अब ये बात कौन बताएगा? कौन बताएगा बाबू जी? ये भाई जिन्होंने अनुभूत किया है, आचार्य भगवंतों ने जिन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है, जिनकी पर्याय में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि हुई है, वो बताएंगे कि कैसे सुखी हुआ जाता है। गजब की समस्या तो ये बाबू जी, मुनि भगवंतों के पास जाकर मुनि भगवंतों के उपदेश को सुनकर अपने को सुखी होने की विधि सीखने की बात को दूर रही, ये उनको देखकर कहता है बेचारे बहुत दुखी है। क्या क्या स्थिति हो गई है? क्या कहना साहब? कौन दुखी है? दुखी कौन है बाबू जी? दुखी कौन है? वो दुखी है, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए कोई रूम मकान व्यवस्था बना दो है? और आप सुखी हो? कौन सुखी है बोलो भाई? अरे या यूं या शास्त्र के नाम अंदर में आप क्या मांगते हो ये बताओ। कौन सुखी है? जिंदा तो क्या शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है क्या? है ना, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नथी ऐसा कहा है। तो ये शास्त्र पुद्गल है, उसमें ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक ये बात इंडिकेशन है, शास्त्र से ज्ञान नहीं आता है क्योंकि वो निमित्त है, ज्ञान ज्ञान से आता है, उस कथन की वहां उपयोगिता है। शास्त्र में कही गई बात उससे अपने स्वभाव का निर्णय करके है ना, तो वो बहिरंग उत्कृष्ट निमित्त देशना है। हर बात को आप बिल्कुल परफेक्ट लगानी पड़ेगी। जो शास्त्र को पढ़कर ही मात्र छयोत्तम ज्ञान का अहंकार कर ले है, मुझे इतना आता है, मेरे से बड़ा कोई पंडित नहीं है, और अंदर में जाकर अपना जो भेद विज्ञान करके अपने स्वभाव की स्वीकृति करके परिणति में धर्म प्रकट नहीं करे, उसका पुरुषार्थ नहीं करे, तो उसको कहा कि तेरा ये सब ज्ञान बेकार है। क्या कहा आचार्य जी ने? तो इसने कहा यह ज्ञान बेकार है, पढ़ना बंद। क्या कर दिया फिर उसने? तो आचार्य भगवान की अपेक्षा सही समझी? क्या अपेक्षा थी वहां आचार्य भगवान की? अपेक्षा क्या थी कि भैया तू जो स्वाध्याय कर रहा है, कितना यहां आपके सभा में बैठे हैं सब लोग, आप जो यहां पौन घंटा स्वाध्याय कर रहे हो किस उद्देश्य से कर रहे हो पहले ये नक्की करो। कि साहब हम तो मुमुक्षु हैं, यदि हम स्वाध्याय नहीं सुनेंगे तो हमारा पंच डूब जाएगा, ऐसा है क्या? तो पद्धति बुद्धि से स्वाध्याय कर रहे हो? एक जना पद्धति बुद्धि से पूजा करता है, एक जना पद्धति बुद्धि से स्वाध्याय करता है। आगे आएगा व्यवहारवासी में भेद, मैं समझाऊंगा आपको पद्धति बुद्धि क्या है। पद्धति बुद्धि से नहीं कर रहे हो भाई, काय के लिए कर रहे हो स्वाध्याय? अब जाके बताएंगे हम दूसरों को, हम भी कुछ जानते हैं, हमको भी कुछ आता है, नहीं जैसा है? क्या ऐसा ही है? अरे आत्मकल्याण की मुख्यता आई बात समझ। श्रीमद ने कहा कि इसको यदि भाव की थाक नहीं लगी है क्या, तो अभी इसकी पात्रता नहीं जगी है। क्या कहा?
अभी तेरे को भाव की ठाक नहीं लगी है, मुमुक्षु की पहचान ने कहा कि जो भाव से थका हुआ हो, संसार से थके हुए हो कि नहीं, बोलो ऐसा कहा थके हुए हैं, जबरदस्त पुण्य का उदय है हमारे अंदर, क्या है? बिना करे ये सब काम हो रहे हैं, निकल सके हुए हैं। अब जो थका हुआ नहीं होगा बाबूजी, उसको उसकी कीमत नहीं है। कौन कौन थके हुए हो? सुबह बाबूजी कह रहे सुबह मजबूत योद्धा है, क्या कहा थका हुआ है? तो भाई शास्त्राभ्यास करना निरर्थक है यदि आगम में ये बात कही जाए तो आपको क्या अर्थ निकालना है कि शास्त्राभ्यास नहीं करना ये अर्थ नहीं है। क्या अर्थ निकालना है कि शास्त्राभ्यास करने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन हमने को नहीं भूलना है। इस प्रयोजन को मुख्य करके आचार्य भगवान ने कहा कि ये तेरा जो क्षयोपशम है ना, इसको बढ़ाना घटाना इसमें कोई दम नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान में क्या तू कितना याद रखता है, तेरे को कितना श्लोक याद है, क्या उसमें कोई दम नहीं है। तू अपने को भगवान को स्वीकार करता है कि नहीं करता है, इसमें दम है। किसमें दम है? 25,000 श्लोक याद हो या 50,000 श्लोक याद हो, और तू अपने को पामर स्वीकार करता है तो वो श्लोक याद रखना क्या काम का? वो क्षयोपशम ज्ञान भले कितना भी हो क्या काम का? इस उद्देश्य से आचार्य भगवान ने क्या कहा है कि शास्त्राभ्यास निरर्थक है। निरर्थक है तो इसका मतलब ऋषभ जी भाई साहब शास्त्र का अभ्यास ही नहीं करे। तो भैया तेरे को आत्मा के संबंध में पता कहां से पड़ेगा? देखो एक बात और समझना, क्षयोपशम ज्ञान है ना, उसको नकारते हैं काय के लिए, वो भी समझना है अपने को है। वो एकदम क्षयोपशम ज्ञान को उड़ाई दो वो भी नहीं समझा। दोनों बातें आपको बैलेंस समझ। देखो एक बात समझो, काम कहा होगा भाजी? 5 प्रकार के ज्ञान पर्याय क्या? मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। 4 ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है और 1 ज्ञान छाई ज्ञान है। बोलो भाई कितने ज्ञान? 4 ज्ञान कौन से हैं? क्षयोपशम ज्ञान है, 1 ज्ञान है छाई ज्ञान है। अब जो भी निर्णय का काम होगा भाजी, जो भी निर्णय का काम होगा वो आपके क्षयोपशम ज्ञान में ही होगा, क्योंकि छाई ज्ञान तो सब काम हो जाता है उनके बाद प्रकट होता है। क्या क्या चला साहब? केवल ज्ञान कब होगा? जब राग मिट जाएगा पूरा तब केवल ज्ञान होगा। तो वो ज्ञान तो अपने को पारितोषिक में मिला है, इनाम में मिला है। क्या जैसा कहीं का इनाम मिला है कि आपने सब राग मिटा दिया है, अब आपके ज्ञान में इतनी उगाड़ की सामर्थ्य है। राग होते यदि आपको ज्ञान दे देते केवल ज्ञान तो आप परेशान हो जाते। क्या राग को रहते हुए यदि आपको केवल ज्ञान दे देते तो आप दुखी हो जाते? नहीं होते दुखी केवल? अब आपको सब पूर्व हो गए, माँ बाप दिख जाते, बच्चे दिख जाते, कोई नरक में डंडे खा रहा है, कोई तीजे तीजे में, तो फिर क्या करते भाव जी? इधर राग मिटा नहीं है क्या? तो केवल ज्ञान कब आता है? जब पूरा काम हो गया तब आता है। तो फिर केवल ज्ञान क्या काम का है? काम तो अपने को मध्य श्रुत ज्ञान में करना पड़ेगा। भले ही वो प्रत्यक्ष है, भले ही वो स्पष्ट है, भले ही वो एक समय में लोग अलोग सभी गुण देव गुण प्रिया को जाने, लेकिन अब क्या काम का मुद्दा तो समझ जाए यहां है। तो काम किस ज्ञान में होगा? काम किस ज्ञान में काम होगा? क्षयोपशम ज्ञान में काम होगा। आई बात समझ? वो क्षयोपशम ज्ञान भले ही कमजोर है, भले ही अस्पष्ट है, लेकिन काम किसमें होगा? उसी में होगा। तो फिर ये क्यों निषेध करते हैं? मुद्दा ये है यदि क्षयोपशम ज्ञान अपने को क्षयोपशम रूप स्वीकार करे, क्षयोपशम ज्ञान में अपने ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान का अहंकार आ जाए, तो आचार्य देव कहते हैं नहीं, इस क्षयोपशम ज्ञान को क्या निर्णय करना है कि मैं क्षयोपशम इतना नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। क्या निर्णय करना है इस क्षयोपशम ज्ञान को? क्या निर्णय करना है अपने को?
क्षयोपशम ज्ञान में ज्ञान का अहंकार हो जाए बीमारी है, अपने को क्षयोपशम इतना मान ले बीमारी है। वही क्षयोपशम ज्ञान अपने को क्या माने, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, दृढ़ स्वभाव को उर्द करे तो आपका काम हो जाए। आई वाज तो वहां निषेध किस अपेक्षा से निषेध है कि भैया आपको क्षयोपशम का अहंकार नहीं हो जाए, आपको आप अपने को क्षयोपशम इतना मत मान लो, लेकिन ये वो जो प्रगट ज्ञान काम तो उसी में होना है, काम किस में होना है, प्रगट ज्ञान की पर्याय में काम होना है, और वो ज्ञान की पर्याय क्षयोपशम ज्ञान है। उस सावधानी के लिए आचार्य देव ने ये बात की। आज बात समझ ठीक है, समझ में आ गया आपको सभी अपेक्षा, सभी अपेक्षा समझ में आ गई। पहली पंक्ति की क्या थी, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। कौन? निश्चयवासी। क्यों? कि उसने आचार्य भगवान की अपेक्षा को यथार्थ न समझकर उसने शास्त्राभ्यास करना छोड़ दिया। एक एंगल और आता है, जरा उसने तो अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया है निश्चयवासी में, तो ठीक है, अब सम्यक दर्शन के बाद शास्त्राभ्यास करने की क्या जरूरत है? क्या कह रहा था तो टोटल मुझे साहब उसका भी आगे स्पष्टीकरण देंगे कि भैया मुनिराज के भी दो ही काम बताए हैं, ज्ञान और ध्यान है। आगे बात कर रहे क्यों, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। पहली बिंदु तो यहां स्पष्ट हो गया आपको, पहला बिंदु स्पष्ट हो गया, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। कौन? निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि। दूसरा बिंदु क्या है, द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। ये कहां से लाए बाबूजी बात, ये भी आचार्य भगवान ने कही। देखो क्या उद्देश्य समझो, गुणस्थान मतलब क्या, मोह योग के निमित्त से जो तारतम्य रूप जीव के जो भाव है उसका बंटवारा करा है, मोटा मोटा बंटवारा, वो 14 प्रकार का, ठीक है, जीव का अन्वेषण करना है, खोज करना है तो 14 प्रकार की मार्गणा है ना, त्रिलोक में लोक में स्वर्ग क्या है, मध्य लोक में क्या है, पाताल में क्या है, मतलब सात वर्ग क्या है, उसकी रचना उसका स्ट्रक्चर वो है, त्रिलोक आदि के संबंध में विचार। अभी आचार्य देव ने क्या कहा, रागी जीव, बहुत महत्वपूर्ण बात है सुनना, रागी जीव यदि भेद करके जानेगा तो नियम से विकल्प होगा। क्या फिर से क्या 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 बोला मैंने, रागी जीव यदि भेद करके जानेगा तो क्या होगा बाबूजी, नियम से विकल्प होगा, और उस जीव को निर्विकल्प अनुभूति के लिए विकल्प को मेटने के लिए आचार्य देव ने कहा है कि तू भेद को छोड़कर अभेद को पकड़। काय के लिए, काय के लिए, काय के लिए, निर्विकल्प अनुभूति के लिए, क्योंकि जब तक विकल्प रहेगा तब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। आई बात, और विकल्प भेद रूप अगर जानेगा तो रागी जीव को नियम से विकल्प होगा, विराग के लिए कंडीशन नहीं है। आई बात क्या, अब एक कथन तो ये है, एक कथन आचार्य देव ये कहते हैं कि सामान्य से विशेष बलवान है। क्या कहते हैं आचार्य देव, क्या कहते हैं, सामान्य से बाबूजी विशेष बलवान है, विशेष बलवान है मतलब उसके एक 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 भेद को जानकर जानोगे तो उसमें और आपको मजबूती आएगी, एक कथन ये है। तो अब क्या करना था, भेद करके जाने के भेद करके नहीं जाने है? तो आचार्य देव कहते हैं यदि भेदों में ही उलझे रहोगे, क्या भेद काय के लिए किए जा रहे हैं, अभेद को जानने के लिए, काय के लिए भेद किए जा रहे हैं जनाब साहब, अभेद को जानने के लिए, भेदों में उलझे रहोगे तो समझ लेना अभेद की अनुभूति नहीं होगी। देखो एक पिताजी माताजी एक बच्ची के लिए लड़का देखकर है ना, पुराने जमाने की बात है, नए जमाने की बात नहीं हो क्या, लड़का देख के आए, अब दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, क्या लड़की पीछे से सुन रही है, क्या सुन रही है, पिताजी और मतलब उसकी माताजी जो चर्चा कर रही है, लड़के का तो कलर ऐसा
गोर वर्ण है क्या उसका, बोले उसके परिवार में माता पिता जी के ये संस्कार है, वो वहां नौकरी करता है, उसके इतने पैकेज है, बोलचाल में इतना नरम है, उसके नाना प्रकार के गुणों की चर्चा हो, ठीक है, किसी चर्चा होती है, किसकी चर्चा हो रही है, भेद करके गुणों की चर्चा होगी, किसके बच्चे के, और वो जो लड़की पीछे सुनकर किसका निर्णय कर रही है, किसका निर्णय कर रही है, कहना साहब किसका निर्णय कर रही है, वो भेद को सुनकर अभेद, ये लड़का, ये लड़का है, वो अभेद है ना, जिससे उसकी शादी होनी है, उस अभेद लड़के का निर्णय कर दिया, आई बात है, तो भेद काहे के लिए किए जा रहे हैं, अभेद के निर्णय के लिए है ना, विशेष सामान्य के लिए हो, विशेष विशेष के लिए नहीं हो, बात समझ में आई आपको, काहे के लिए, यद्यपि विशेष सामान्य से बलवान है, लेकिन विशेष किसके लिए होना चाहिए, सामान्य के लिए होना चाहिए, विशेष यदि विशेष के लिए हो गया है तो बाबू जी सामान्य क्यों गए आप सामान्य, आई बात समझ, तो यहां क्या कहा कि द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणास्थान त्रिलोक आदि की चर्चा इसको विकल्प ठहराता है, क्योंकि आचार्य देव ने कहा है कि भाई रागी जीव यदि भेद करके जानेगा तो विकल्प खड़े होंगे, तो अपने को जानना ही नहीं, उसने क्या रास्ता निकाल दिया बाबू जी, पता है ना, वो शिव बुद्धि मुनिराज का उदाहरण बहुत देता है कि दाल और छिलका अलग है, उतने से काम हो गया, तो ये वो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो मैं जानता ही हूँ, दाल और छिलका अलग है, अब ये इतनी क्यों मगजमारी, समझदार पढ़ना नियमसार पढ़ना प्रवचनसार पढ़ना, ये दाल और छिलका अलग है, मैं जानता ही हूँ, हो गया काम, क्या सब उसका नहीं जानते बाबू जी, दाल और छिलका अलग है, अरे भैया भाई साहब आपको बस इतना जानने की प्रेरणा नहीं है, उनका क्षयोद्यम कम था तो भी उन्होंने कम क्षयोद्यम में भी मूल अंदर में भेद ज्ञान करके अभेद आत्मा को पकड़ लिया था, तेरा क्षयोद्यम ज्यादा है तो तू क्या है कि शास्त्र ज्ञान में उलझा रहे वो भी नहीं चलेगा, और तू शास्त्र का अभ्यास न करके करे नहीं ये भी नहीं चलेगा, तेरे को शास्त्र का अभ्यास करके अभेद आत्मा को पकड़ना है, जैसे शिव बुद्धि मुनिराज ने पकड़ा है, उस उद्देश्य से कहा गया तू पढ़ना बंद कर दे ये भी नहीं है, आई बात समझ में, क्या अपेक्षा समझ में आई आपको, ये गड़बड़ी बहुत है क्या, वो जिसको भी बोलते भाई शास्त्राभ्यास करो, अरे शिव बुद्धि मुनिराज ने तो कर लिया, ने कहा ये क्यों उलझन है, तो तूने कर लिया क्या काम, शिव बुद्धि मुनिराज ने करा था, उनका तो छह उत्सव कम था तो भी कर लिया, तेरा तो उससे ज्यादा छह उत्सव है, तू क्या कर रहा है, पापों में लगा रहा है, विषयों को जोड़ने में लगा रहा है, क्या कर रहा है मेरा, बोलो, तो जो उदाहरण दिया जाए उस उदाहरण की बिल्कुल परफेक्ट अपेक्षा समझ लिया, कोई भी गलत अपेक्षा आपने पकड़ ली तो समझ लेना आप डाइवर्ट हो जाओ, ठीक है, दो बिंदु हो गए, कौन कौन से बिंदु हो गए, शास्त्राभ्यास को निरंतर बताया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था है ना, भेद करके जानने के लिए आचार्य देव ने कहा था ये विकल्प है, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, तीसरी बात है तपश्चरण करने को व्रथा व क्लेश मानना क्या है, और व्रत को बोलता है बंधन में पड़ना, ये क्या बीमारी व्रत, ये तो बंधन में पड़ना, ठीक है, अभी कल इसकी चर्चा करेंगे, क्या है कि चार जीव तप करते हैं, बाबू अपन उदाहरण ले लो अनशन करते हैं, ठीक है, चार जीव, एक जीव अनशन करता है जो अनशन कोई धर्म मान के बैठा है, उन्होंने समझ लो अनशन समझ लो, ठीक है, एक जीव उसका निषेध करता है बेकार है तो सब क्लेश है, एक जीव अनशन करके जो समय से बाहर से निवृत्त हुआ उसमें अपनी भूमिका के अनुसार योग्य पुरुषार्थ करता है, एक जीव अपने स्वभाव के में स्थिर होकर इस प्रकार मगन हो जाता है कि उसको भोजन का विकल्प ही नहीं आता है, चारों एक्टिविटी में बाहर से भोजन छोड़ गया, क्या क्या हो गया, चारों एक्टिविटी के जीव का बाहर से भोजन छूटा है, किन किन का भोजन छूटा है,
किन किन का भोजन? नहीं, एक का नहीं छूटा है, तीन का तो छूटा है क्या? एक तो स्वच्छंद हो गया, तीनों ने, एक ने तो उस उपवास को ही धर्म मानकर दृढ़ता से करा है, एक ने उपवास किया है निवृत्ति लेकर योग के पुरुषार्थ किया है, और एक अपने स्वरूप में लीन रहा है तो भोजन का विकल्प ही नहीं आया है। तीनों परिस्थितियों में बाहर में भोजन नहीं हुआ है लेकिन अंदर में तीनों की एक्टिविटी जारी जारी है, उसकी अपन चर्चा करेंगे कल, ठीक है? अभी समय हो गया है, बात पकड़ जाएगी। इसीलिए जहां जो एंगल है उस एंगल की अपेक्षा बिल्कुल बराबर अपने को समझनी है, जरा सी भी सावधानी हटी और समझ लेना दुर्घटना घटी, ठीक है? तीसरा बिंदु अपन कल चर्चा करेंगे। साची तो गंगा ये वीत राग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक,